जय हिंद दोस्तों। पेनी स्टॉक्स की सीरीज में आज डिस्कशन करने वाले हैं स्टॉक के बारे में और स्टॉक का नाम क्या है। उसके पहले स्टॉक का भाव क्या है। भाव है अराउंड 4 रुपए 25 पैसे। जी हाँ, 4.25 रुपए का स्टॉक है और नाम है स्टॉक का आशीर्वाद कैपिटल। सिर्फ BSE पर लिस्टेड है। कंपनी कर क्या रही है? आशीर्वाद कैपिटल ऑपरेट करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड इज एंगेज इन ट्रांजेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये है कंपनी का बिजनेस। और मार्केट कैप 17 करोड़, शेयर की PE 37 और करंट प्राइस तो देख लिया है हमने। और 52 की लो लगाया है 1.7 और हाई 5.35। अब प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करेंगे नंबर्स में जाके। और ये ईयरली बेसिस के डाटा है और क्रोर्स में फिगर्स है सारे। और जो हमारे काम की चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हमें देखनी है वो है सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल का यहाँ पर दिया गया है। और जो हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था वो था मार्च 2010 में 1.42 का। एंड पिछले साल मार्च 2020 में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट किया था 0.34। सो नंबर्स पॉजिटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। बाकी ऐसा कोई तूफानी चेंज कंपनी में हो जाएगा ऐसा कुछ देखने मिल नहीं रहा है फिलहाल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें भी सिचुएशन ऐसी ही है। जो हाईएस्ट कंपनी ने पोस्ट किया था वो था मार्च 2012 में 1.07, माफ कीजिएगा वो नहीं है, मार्च 2010 में 1.38। एंड फिलहाल अभी पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिविटी ऐसी दिख नहीं रही है नंबर्स में। सेम चीज यहाँ पे नेट प्रॉफिट और EPS में भी ऐसा ही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है बट नंबर्स पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में जाते हैं तो देखने मिल रहा है लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर कितनी है। और कंपनी के ऊपर अराउंड 6.38 करोड़ का कर्ज कह सकते, माफ कीजिएगा, लायबिलिटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस बेस पे मैंने स्टॉक को चुना है, कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्थ नहीं है। जी हाँ, पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी है। ओके, जीरो डेप्थ, मार्च 2012 से यहाँ पे कर्ज जो है शून्य है। और एसेट्स 6.38 और लायबिलिटीज भी उतनी है। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज आप देख सकते हैं सिमिलर है, 6.38 6.38। अब शेयर होल्डिंग को देखें तो दो ही पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है। एक तो प्रमोटर्स 51% एंड पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स 49%। तो सब कुछ यहाँ पे दोनों में ही बटा हुआ है। एंड ये मार्च 2018 के बाद कोई भी बदलाव देखने मिला नहीं है यहाँ पे। तो ये थे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स 4.25 रुपए की कंपनी आशीर्वाद कैपिटल के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे, पैटर्न्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पे आपको डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके चॉइसेस के हिसाब से। अगर आपको स्मॉल कैप शेयर्स में आपका इंटरेस्ट है तो उसके लिए प्लेलिस्ट है, मिड कैप शेयर्स में इंटरेस्ट है वहां पर प्लेलिस्ट है, लार्ज कैप शेयर्स में इंटरेस्ट है वहां पर प्लेलिस्ट है, और पेनी शेयर्स के ऊपर भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो एज पर योर इंटरेस्ट प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा। एंड पूरी ही नॉलेजेबल वीडियोस है, पूरा ये एजुकेटिव वीडियोस है। एंड आपको वीडियो देख के ही पता चल जाएगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन प्लान करते हो तो आपको कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। तो ये है चार्ट आशीर्वाद कैपिटल मार्च, माफ कीजिएगा, नवंबर 2003 से। एंड तब स्टॉक का भाव था 1 रुपया और आज स्टॉक का भाव है लगभग 4 रुपए। जी हाँ, 4 रुपए। तो अब देखते हैं स्टॉक किस चाल में चल रहा था। और चाल को देखें तो शुरुआत के दिनों में स्टॉक जो है एक चैनल में चल रहा था। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक चैनल में काम कर रहा था। फिर उसका ब्रेकडाउन हो गया एंड फिर स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक ब्रेकडाउन, एक ट्रायंगल बना दिया। जी, स्टॉक ने एक ट्रायंगल बना दिया। अब स्टॉक ने ये बनाने के बाद जब दूसरी पैटर्न में निकला तब स्टॉक ने यहाँ पे और एक ट्रायंगल बना दिया, दो। एंड समवेयर मुझे ऐसा लगता है स्टॉक ट्रायंगल बनाना स्टॉक की आदत है। देख लीजिए, एक साथ स्टॉक ने 3 ट्रायंगल बना दी, सालों साल 3 ट्रायंगल बना दी स्टॉक ने। अब और आगे जाएंगे तो पता चलता है स्टॉक जो है यहाँ पर जो है एक ही चैनल में काम कर रहा था। यहाँ पे देखिए, एक ही चैनल में काम कर रहा था, फिर इसी चैनल में थोड़ा नीचे आ गया कुछ एक एंड में, फिर यहाँ से फिर से ब्रेकआउट हो गया एंड फिर स्टॉक ने अपनी जर्नी शुरू की यहाँ पर, और स्टॉक दूसरी चैनल में चला गया। यहाँ से इसी को कंटिन्यू करते हुए ऊपर एक दूसरी चैनल में काम करने चला गया एंड फिर उस चैनल का ब्रेकडाउन हो गया, स्टॉक नीचे आ गया और यहाँ पे स्टॉक ने एक कर्व लगा दिया, अपना कर्व कंप्लीट कर दिया कुछ इस तरह से। सो पूरा अगर चार्ट हम देखें, आप देख लीजिए ये कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं स्टॉक फॉलो करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्टॉक ने किस तरह के लाइक पैटर्न्स को खत्म किया है, पैटर्न को खत्म किया फिर दूसरी पैटर्न में चला गया। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन बेसिस के हिसाब से आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी प्लीज tradingview.com पे जाएं,
चार्ट्स खोलिए एंड पैटर्न्स को ड्रॉ कीजिए एंड एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक कौन सी पैटर्न में है, स्टॉक में लेवल्स क्या आने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब चार्ट पैटर्न को हम डेली बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे और देखने मिल रहा है कुछ ऐसा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पिछले दिनों, जी हाँ पिछले दिनों में स्टॉक का जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, स्टॉक उसके ऊपर निकल गया। जी हाँ रेजिस्टेंस क्या था, और वो था ये, मैं वहां पर एक ही लाइन ड्रॉ करूंगा और वो है ये। आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर स्टॉक निकल गया एंड स्टॉक जो है गैप अप करके निकला। जी हाँ स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दी थी यहाँ पे और ऊपर निकल गया, और यहाँ पर भी स्टॉक ने लगा दिया एक कर्व, स्टॉक ने लगा दिया एक कर्व एंड स्टॉक अब नीचे गिरना तो शुरू कर दिया। नीचे गिरते गिरते स्टॉक ने यहाँ पर बाउंस हो गया, बाउंस हो गया तो बाउंस ने फिर से अपनी जो फेवरेट पैटर्न है जो शुरुआत में लगाई थी वैसे ही यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से बाउंस लिया एंड फिर ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा है स्टॉक। तो ये है कुछ बेसिक्स एनालिसिस आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपने सारे ही चार्ट पैटर्न्स को देखा रहेगा, स्टॉक किस चार्ट पैटर्न में जा रहा है, कहाँ से कहाँ निकल रहा है। और टारगेट्स की अगर बात करें आशीर्वाद कैपिटल के बारे में, मैं हर पेनी स्टॉक के बारे में यही बताता हूँ, इसमें टारगेट्स के बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट इतना होना चाहिए कि हम उसमें ऐसे स्टॉक्स में इतने पैसे डालेंगे कि किसी कारण वो पैसे शून्य हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ सकता, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो पैसे कितने होते हैं, किसी के लिए 100 रुपए, किसी के लिए 200, किसी के लिए 500, किसी के लिए 1000, किसी के लिए 1500 या किसी के लिए 2000 हो गया। सो ये कुछ इस तरह का तरीका होता है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबकी सबकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अमाउंट सबके लिए डिफर करता है। ओके सो आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को जानिए एंड अगर वो किसी कारण अमाउंट शून्य हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और टारगेट की अगर बात करें तो ऐसे स्टॉक्स में टारगेट क्या होते हैं, और टारगेट ये होते हैं, ये जब भी आप इन्वेस्ट करो, वॉट एवर अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके इन्वेस्ट करने के बाद भले ही एक हफ्ते बाद या एक साल बाद या दो साल बाद अगर वो स्टॉक जो होता है डबल हो जाता है, जी हाँ पेनी स्टॉक्स जो होते हैं सर्किट टू सर्किट ट्रेड करते हैं, ये देखिए सर्किट टू सर्किट जाता है फिर नीचे भी आता है, तो जब ये स्टॉक सर्किट टू सर्किट ट्रेड करते हैं तो बहुत कम समय में हो सकता है आपके पैसे दुगने हो जाए, तीन गुना हो जाए। तो आपको एक डिसिप्लिन के साथ एक रूल फॉलो ये करना है कि जब भी ऐसा होगा आपका, आपके डालने के बाद आपका पैसा डबल हो जाए, आप डिसिप्लिन से फॉलो ये करोगे कि आप अपना कैपिटल का अमाउंट एग्जिट कर लोगे। जी हाँ कैपिटल अमाउंट के जो भी शेयर से उतने आप बेच दोगे तो इससे आपका जो एक्सपोजर होगा रिस्क का यहाँ पे शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको कोई भी चिंता नहीं होगी आगे जाके कंपनी डिलिस्ट हो जाए, शून्य हो जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपने आपकी जो मेहनत की कमाई थी, रिस्क आपका जो था वो पैसा आपका ऑलरेडी आ चुका है। ओके अब स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बनता है तो आप ही का फायदा है, किसी कारण डिलिस्ट हो गया या शून्य हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। और कैपिटल का पैसा निकालने का फायदा ये होता है इसके बाद उस पैसों को आप दूसरे किसी फंडामेंटली और टेक्निकली और एक पेनी स्टॉक में उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ पेनी स्टॉक्स में पोजीशन बनानी होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर शेयर के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उस शेयर का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।